पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की तहसील बिलारी क्षेत्र के शोंडारा में अवैध रूप से चलाए जा रहे गेहूं खरीद केंद्र पर शिकायत के बाद तहसीलदार द्वारा की गई छापेमारी में मौके से कई प्रतिबंधित मोहरे और दूसरा सामान भी बरामद हुआ है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिलारी क्षेत्र में अवैध रूप से कई स्थानों पर गेहूं खरीद केंद्रों की सूचना मिल रही थी, जिस सूचना पर तहसीलदार बिलारी ने टीम गठित करते हुए शोंडारा में चलाए जा रहे केंद्र पर छापेमारी की, जहां पर टीम को दूसरे केंद्रों पर काम आने वाली मोहरे और बड़ी मात्रा में ऐसी बोरियां बरामद की गईं जो खाद्य विभाग द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। टीम ने मौके पर पाया कि इस गेहूं केंद्र को संचालक इरशाद खां और उसका पार्टनर नथर चला रहा था। बिलारी तहसीलदार राजेश कुमार ने मौके से गेहूं के लदे ट्रक को कब्जे में ले लिया और दोनों संचालकों से पूछताछ चल रही है। कितना कट्टे होंगे सरकारी? 199 तो भरा हुए हैं। 199 उस समय कितने उतार दिए? 199 बोरे तो भर दिए और बाकी 165 और 17 कितने हुए? 165 17 ऐसी खाली बोरे। अच्छा, ये जगह किसकी भैया? नथर खान। और इसमें कोई और साजी भी है इसका? कोई खाली कारोबार काम में साजी है इरशाद। इरशाद तो सरकारी कहाँ ले जाते, बेचते हैं से क्या करते? इस बारे में जानकारी नहीं, हमसे तो सिर्फ भरने को कहा गया। कितने आदमी थे आप भरने में? हमारे कानों को साहब और एक बार दलित गौतम, एक गेहूँ क्रय संचालक जो रुस्तम नगर खास के हैं, उनको लेने के लिए भरने का जा रहे थे। तो सुबह तकरीबन 6:15 या 6:30 बजे के आसपास जब वो यहाँ सोनारा से गुजर रहे थे, तो यहाँ इस ट्रक में सरकारी बोरों में गेहूँ उन्होंने जो है लोगों को भरते हुए पाया, और उन्होंने पूछताछ करने पर जब उनको पूछताछ करने का प्रयास किया तो जो गाड़ी का वाहन चालक था वो भी भाग गया, जो यहाँ दुकान पर लोग मौजूद थे वो भी भाग गए। अभी डिप्टी आरएमओ साहब यहाँ आए हुए हैं। जैसे सर इसमें डिप्टी आरएमओ साहब यहाँ आए हुए हैं और डिप्टी आरएमओ साहब इसमें पूरी जाँच करेंगे, क्योंकि जो प्रथम दृष्टा हमारे सामने बात आई है, ये PCU का एक केंद्र है अलारामपुर बगल का ये गांव, वहाँ के ये छापा जो बोरों पे जो छापा खाना चलता है वो जो फ्रेम है वो अलारामपुर गेहूँ क्रय केंद्र का मिला है। बाकी इनका ये भी कहना है यहाँ कहीं लोगों का कि ये नथल खा जो है एक बड़े काश्तकार हैं, लेकिन बड़े काश्तकार भी अगर हैं तो यहाँ आसपास मिट्टनपुर महेश में गेहूँ क्रय केंद्र संचालित है, भारतीय खाद्य निगम का सोडारा में ही गेहूँ क्रय केंद्र संचालित है, तो उन्हें जो है वहाँ गेहूँ क्रय केंद्र पर जाकर के अपना गेहूँ बेचना चाहिए था। सरकारी वो बोरे जो है इनके पास विल्ला जो है, जैसा डिप्टी आरएमओ साहब है कि वो एक ऑफेंस बनता है, और इसमें खाद्य विभाग की ओर से जो है डिप्टी आरएमओ साहब यहाँ मौजूद है, वो इसमें नियमानुसार जो भी FIR बनती है या नहीं बनती है वही उस कार्रवाई को आगे अंजाम देती है। कितने बोरे खाली मिले हैं, कितने में माल मिला है? इसमें 199 बोरे तो भरे हुए हैं और तकरीबन 190 के आसपास बोरे जो है खाली है, एक कांटा भी है यहाँ। सर क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? कार्रवाई के बारे में डिप्टी आरएमओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसमें जो है अपने विभाग की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, और उनसे जो मेरी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि चूंकि ये सरकारी बोरे जो हैं जो सरकार के हैं वो इनके पास मिले हैं, तो उसकी FIR बनती है, और बाकी FIR की जो प्रोसीडिंग है होने ना होने की, क्योंकि पत्रा भी उनका कहना है कि उच्च स्तर पर के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी जाएगी, तो ये कार्रवाई जो है डिप्टी आरएमओ साहब करेंगे।